कभी अगर मौका लगे सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की, जम के बोलो जरा, अष्टमी, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास कर लो, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध, ऐसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित, भाव के साथ अब समर्पित, देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करें, धीरे धीरे समर्पित करें, और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए, कार्य में सफलता मिलती है। शिव तत्व को धारण, सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने, कौन से सोमवार के दिन कौन सी तिथि, जम के बोलो, अष्टमी, सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर पांच बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है, मात्र 3 महीने। की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है, चंदन लगाना, इतना लगाना बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद,
हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहां पीला चंदन लाल चंदन लाल चंदन शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे उसमें थोड़ा जल बचे तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जल धार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही पावन दिन। इस दिन अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की समस्या है, आपकी कोई भी मनोकामना है, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के 3 विशेष उपाय बताए, जिसमें सबसे पहला उपाय आप हर किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रकार की मनोकामना है उसके लिए आप दूध और बेलपत्री वाला उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको करना कैसे है, देसी गाय का दूध आपको लेना है, थोड़ा सा दूध, जितना हो सके उतना दूध आपको लेना है। कोई कटोरी में आप वो दूध डाल लेंगे और एक बेलपत्री का पत्ता लेना है। अब वह बेलपत्री का पत्ता दूध में डुबोकर जो दूध उस बेलपत्री के पत्ते पर लगेगा वही दूध आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर दोबारा पत्ता डुबोना है, फिर दूध महादेव पर चढ़ाना है। इसी प्रकार से आपको पूरा दूध महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से विधि विधान से पूजा अभिषेक कर सकते हैं और दूध चढ़ाने के बाद जो बेलपत्री का पत्ता आपके पास बचेगा वही पत्ता आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और पत्ते की डंडी का जो मुख है वो आपको जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस साइड में रखना है। इसके अलावा गुरुजी ने 2 उपाय और भी बताए हैं, वो उपाय भी आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, पर ये जो विशेष उपाय है ये आप सोमवार की अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और साथ में सोमवार की अगर शिवरात्रि पड़े तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने से महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कॉमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाना। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।